राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावन के पावन भूमि पर विराजित राधा वल्लभ जी मंदिर के दर्शन मात्र से ही भक्त की हर इच्छा पूरी होती है। पुराणों में वर्णित है कि शिव जी ने आत्मदेव ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, मुझे वो चीज़ दीजिए जो आपके हृदय को सबसे प्रिय है। तब भगवान शिव ने अपने हृदय से राधा वल्लभ जी को प्रकट किया और उनकी पूजा सेवा पद्धति भी बताई। इसके बाद हरिवंश महाप्रभु ने आत्मदेव ब्राह्मण से राधा वल्लभ जी विग्रह को प्राप्त किया और राधा जी के आदेश से उन्होंने इस विग्रह को वृंदावन में स्थापित किया। जी हाँ, आज ही वो दिन है जब हरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ जी के विग्रह को वृंदावन में स्थापित किया था। आज ही उनका पातोत्सव हम उनका मनाते हैं। हमारे प्यारे श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह के आधे भाग में श्री कृष्ण जी और आधे भाग में श्री राधा जी हैं। कहा जाता है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। यहाँ हर किसी को राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं होते, इसलिए भक्त उन्हें भजन कीर्तन करके रिझाने के लिए कीर्तन करते हैं। कहा जाता है कि जिस पर राधा वल्लभ जी प्रसन्न होते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण होती हैं। राधा वल्लभ जी के विग्रह के बगल में जो गद्दी है, आपने देखा होगा, एक छोटी सी गद्दी राधा वल्लभ जी के विग्रह के बराबर में है। वो गद्दी है राधा रानी की गुरु स्वरूप की गद्दी है, जिसकी हरिवंश महाप्रभु ने गद्दी स्थापित की है। उनकी हरिवंश महाप्रभु की गुरु श्री राधा रानी हैं, उन्होंने ही उन्हें दीक्षा दी है। जय जय श्री हरिवंश। सो दिस इज द आल्सो नोन एज द पतोत्सव उत्सव और वृंदावन प्राकट्य उत्सव। This takes place on the 13th day of the bright fortnight of the Kartik month, which is also known as the Damodar month, and it is very auspicious. And on this day, Vrindavan Prakatya Utsav is celebrated, and Lord Shri Radhavallabh Lal Ji, he came to the Vrindavan on this day. This Vigra that you are seeing, this came to the Vrindavan on this day. So this Utsav goes for the 3-4-5 days. So इसमें सारे गोस्वामी मंदिरों के आकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। उत्सव होता है, पेड़ लगाए जाते हैं, वॉक करते हैं मदन टेर से लेकर बड़ा रासमंडल तक, और बहुत उत्सव अच्छी तरह से मनाया जाता है। वृंदावन प्राकट्य उत्सव भी कहते हैं इसको, और पतोत्सव भी कहते हैं। इस दिन जो विग्रह आप देखते हैं वो वृंदावन आए थे श्री राधा वल्लभ लाल जी के। प्रभु को अभिषेक किया जाता है पंचामृत से, और बहुत सुंदर डेकोरेशन की जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं मंडप बनाया जाता है। भोग लगाया जाता है, म्यूजिशियन होते हैं, गाने बजाने होते हैं, नृत्य होता है। बहुत सुंदर तरीके से ये उत्सव मनाया जाता है, जिसकी आप हल्की सी झलकियां मैं आपको दिखा रहा हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।